हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारा मुरब्बा अगर ख़राब हो गया तो उससे क्या करें। या तो हमारा मुरब्बा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है या तो पतला। ऐसे इस कंडीशन में हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, तो इस वीडियो में आपको मैं सारे जवाब दे दूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ में एंड तक। तो चलिए फिर देखते हैं हमें इसको क्या करना है। तो आप देख सकते हो ये मेरा मुरब्बा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अगर इससे भी ज़्यादा गाढ़ा आपका मुरब्बा बन चुका है या पतला बन चुका है तो उसे क्या करना है और कैसे ठीक करना है, आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने मुरब्बा एक कुकर के डिब्बे में निकाला है। अब हम इसमें डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर फिर भी हमें गाढ़ा लग रहा है तो और एक चम्मच हम इसमें पानी डाल देते हैं। ये दो चम्मच के बराबर एक ही चम्मच है। याद रखिए मेरे हाथ में जो स्पून है वो बड़े साइज का है, ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो आपकी चाशनी पतली हो जाएगी। तो दो चम्मच मुझे यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो चुका है। अगर आपका चाशनी इससे भी ज़्यादा गाढ़ी है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब चलते हैं गैस की तरफ और इसे दो सीटी हमें लगाना है कुकर में। तो कुकर सबसे पहले मैंने ले लिया है, इसके ऊपर हमें एक इस तरह की लीड रखनी है जो कि ये फिटिंग में आ जाए, और ये रखना है कुकर में और इसकी दो सीटी हमें लगानी है। यहाँ पे दो सीटी हो चुकी है तो अब हमें इसे निकाल के ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी चाशनी एकदम पतली हो चुकी है और इसके अंदर तक जूस चला गया है। बहुत ही अच्छा बना है ये मुरब्बा, ये अच्छे से स्मूथ भी हो चुका है। पहले हमारा मुरब्बा एकदम कड़क था, अब बहुत अच्छे से स्मूथ बन चुका है। तो मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ। सबसे पहले दिखा देती हूँ हमारी चाशनी अच्छे से जैसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए बिल्कुल इसी तरह से चाशनी बनी है। और आप देख सकते हो ये मुरब्बा कितना गुलाब जामुन जैसा सॉफ्ट और रसीला बन चुका है। अगर आपकी चाशनी पतली हो गई है तो याद रखें कुकर में ना चढ़ाएं ना ही उसमें पानी डालें। जो भी आपके आंवले हैं वो साइड में निकाल के एक थाली में रख दें और एक पतीले में जूस निकाल के उसे अच्छे से कम गैस पे उबालें। जब तक उबालें वो अच्छे से गाढ़ा ना हो, उसमें एक बूंद भी पानी ना डालें। उसमें से जो भी आपने आंवले हैं उसे साइड में एक थाली में निकाल के रखें और उसकी चाशनी को तब तक उबालें जब तक वो गाढ़ी ना हो। आप देख सकते हो यहाँ पे इस चाशनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से, जब तक वो ना बने तब तक आप उसे उबालते रहें। बाद में डाल दें उसमें आंवले और दो उबाल आने तक आंवलों को भी पका लें। बिल्कुल इसी तरह से आपके भी आंवले बन जाएंगे। ये बहुत ही परफेक्ट एकदम गुलाब जामुन जैसे ये आंवले बने हैं। अंदर तक इसका जूस चला गया है। खाने में ये इतने टेस्टी लगते हैं कि आपको भी यकीन नहीं आएगा कि आपके ये बिगड़े हुए आंवले एकदम आपने परफेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए फिर इसे निकाल लेते हैं अब एक जार में। जार में रखते समय भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जार में अगर गंदगी हो या कुछ कोई स्मेल हो तो उससे भी आंवले खराब होने का डर होता है। तो याद रखें इसे साफ पानी से साबुन से धो लें और इसे धूप में रख दें। इसके बाद में ही इसमें आंवले डाल दें। इसी तरह से अगर स्टोर करते हो तो आपके आंवले बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आपके और कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ लीजिएगा कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दे दूंगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मेरे वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको एक आंवला निचोड़ के दिखा देती हूँ कि इसमें कितना जूस भरा पड़ा है। एकदम जूसीला रसीला आपका भी आंवला इसी तरह से बन जाएगा। इससे पहले भी मैंने एक रेसिपी शेयर की है कि परफेक्ट आंवले का मुरब्बा कैसे बनता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हो इसके अंत तक इसका जूस चला गया है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका ये आंवला खराब हो चुका था। तो इसमें इस तरह से जूस बचा हुआ भी डाल दें। अब इसकी लीड
इसे इसके ऊपर अच्छे से फिट लगाएं ताकि इसमें अंदर हवा ना जाए। याद रखें, जब आप मुरब्बा निकाल रहे हो तब आपके हाथ भी साफ सुथरे होने चाहिए। बच्चों को बिल्कुल भी निकालने ना दे, क्योंकि इसके क्या बच्चे लूज छोड़ेंगे तो ये आंवला आराम से ख़राब हो जाता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।